लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उड़ा दो इन दोनों को, खबरदार। एक चूहो, किसी ने चू तक भी की तो तुम्हारा सांप चू चू करता दम तोड़ देगा। शेर सिंह, तुमने हमारा नमक खाया है। शट अप यू फ्रंगी सांप, नमक तुमने हमारे देश का खाया है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कैसे हो सेनापति? तुम्हारे फरार हो जाने के बाद मेरे सर पर एक बोझ था, आज हल्का हो जाएगा। सर जिस्म से अलग भी हो सकता है। तुमने अपना दिमाग, अपनी आत्मा नीलाम कर दी और उस नीलामी की बोली जीतने वाला है फिरंगी, अंग्रेज। हम बकवास सुनने के आदि नहीं हैं। बकवास करने के आदि हो। खामोश। साथी हो या खुददार, शक्ति बहादुरों की कदर करना जानता है। लो, झुक गया शक्ति, अपनी तलवार से इसका सर अलग कर दो। तुम्हारी आंखों की चमक मेरे दिल का दामन खींचती है। जाओ जाओ और फुर्सत में अपने आप से पूछना, टटोलना अपनी आत्मा को, और जब असलियत समझ में आ जाए तो आ जाना क्रांति के झंडे के नीचे, मिलकर आजादी का सपना साकार करेंगे। ये क्या किया आपने? हैं? क्या किया? आप नहीं जानते, वो आज हमारी जान ले सकता था। सेनापति ने हमारी पीठ पे वार किया है। पहले उन गद्दारों को खत्म किया जाएगा जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान से दगा करते हैं। ये बंदूकें, ये अंग्रेजों का काम बाद में खत्म करेगी। सबसे पहले गुनाह गिनवा गिनवा कर मारा जाएगा सेनापति शक्ति। क्या कहा? रंभा मौसी की तबीयत खराब है? जी हाँ, वो आपसे मिलना चाहती हैं और कहा है अकेले ही आए। ठीक है, हम अभी चलते हैं। क्या कहती हो रंभा मौसी? मैं उस माँ का बेटा नहीं जिसने मुझे पाला पोसा। अगर तुमने उसे ये कह दिया कि तुम उसकी माँ हो
तो जानती हो इसका क्या हशर होगा? क्या होगा? आज राजमहल में रहने वाला शक्ति कल गलियों में भटकेगा। लो अपनी अमानत, ये कपड़ा मैंने उसी दिन से संभाल कर रखा है। इस कपड़े का दूसरा हिस्सा मैंने पहले भी देखा है। आप यही चाहती है ना, जब वो मेरे सामने आए तो मैं उसे बेटा मानने से इनकार कर दूं। तुम्हें इनकार करना होगा। तुम्हें जन्म देने वाली माँ वही गुलाम औरत राधा है। राधा, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। अपनी जरूरतों को पूरा करना मैंने बहुत पहले सीख लिया है। शक्ति के आने से पहले मुझे यहां से जाना होगा। मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है माँ, तेरा वरदान जिंदा है। मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं अपने बेटे से दूर रह सकूं। मुझे शक्ति देना माँ, शक्ति देना। शक्ति आ गया है माँ। मैं कुछ कहने आया हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैं कहने आया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारे हाथ पत्थर तोड़ तोड़ कर जख्मी नहीं होते, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते। तुम जुल्म सहती रही और मैं जुर्म करता रहा। मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाता रहा और तुम भूखी प्यासी रही। धिक्कार है मुझ पर। मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्या क्या देवी माँ के कपड़े के ये दो टुकड़े साक्षी नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? खाओ देवी माँ की सौगंध और कहो कि तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं, मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। मैं ही तेरी माँ। मैं तेरी माँ। अब मेरा ठिकाना राजमहल नहीं, आज से मेरा संसार माँ के चरणों में। हट जाओ। ले चलो इस गद्दार को। कुछ दिलो, छोड़ दो मुझे। मोहन। हाँ सरदार। लटका दो इस गद्दार को फांसी के फंदे पर। शक्ति में जान लेने की हिम्मत है तो जान देने की शक्ति भी है। इस मामूली रस्सी को हम खुद अपने गले में डालेंगे। दुर्गा है मेरी माँ, अंबे है मेरी माँ। सरदार, आज इसको फांसी नहीं दे सकते। क्यों? सरदार, आज रात जागरण है। आज की रात तो देवी माँ के भजन गाने की रात है। देवी माँ ने आज इस गद्दार को बचा लिया, लेकिन कल माँ के दर्शन के बाद इसे फांसी दे दी जाएगी। दर्शन? हाँ मोहन, मुद्दत हो गई मंदिर में। मंदिर है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। राधा, राधा, तुम
कहाँ है? मुन्ना, बड़ा बड़ा तो भीमा के साथ न जाने कहाँ खो गया, और छोटा छोटा हाँ छोटा शक्ति कल तक तो सेनापति था। सेनापति? हाँ, तब का बिछड़ा कल ही मिला था, लेकिन लेकिन क्रांति उसे उठा कर ले गया। सरदार, सरदार सिपाही। सुनो राधा, गौर से सुनो, मैं इस वक्त यहां से जा रहा हूं, लेकिन कल इसी वक्त यहां तुम्हें जरूर मिलूंगा। आप बहुत खुश हैं? हाँ, देवी माँ का वरदान मिल गया है, अब देखना लड़का पैदा होगा। तुम माँ कैसी हो? जिसे तुम कल उठा कर ले गए थे वो सेनापति मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मैं तो मुद्दे से समंदर में था, आज ही लौटा हूँ। झूठ, मेरा विश्वास करो माँ। मेरे बेटे को उठा ले जाने वाले ने वहां क्रांति का निशान छोड़ा था। क्रांति का निशान, समझ गया। क्या राधा भाभी जिंदा है? हाँ, आज अचानक सरदार सांगा और राधा भाभी दोनों मंदिर में मिल गए। सांगा, राधा, ये देवी के वरदान वाला परिवार है ना? तू उस परिवार का नाम मत ले। ये सिलसिला रिश्तों का है। मक्कार, मौत से बचने के लिए रिश्ते जोड़ने लगा, चल। सरदार हुक्म दो। सरदार, आंसू सरदार की आंखों में, इस कमजोरी का कारण? नहीं मोहन, तुम्हारा सरदार कमजोर नहीं पड़ सकता। इस धरती से गद्दारी करने वालों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्रांति की अदालत में हर गद्दार की सजा मौत है, मौत। चाहे वो गद्दार अपना बेटा ही क्यों ना हो। मैं हुक्म देता हूं मोहन कि सेनापति शक्ति को आजाद कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ये होगा। जानते हो क्रांति की अदालत के कानून अटल हैं? क्रांति के सिपाही के दिए हुए वचन भी अटल है। कौन सा वचन, कैसा वचन? वो वचन जो मैंने सेनापति शक्ति की मां को दिया। उससे तुम्हारा रिश्ता? मेरा रिश्ता? जब मैं मौत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था ना, तब उस औरत ने मुझे बेटा कहा। ये रिश्ता है मेरा। क्रांति की अदालत में हक और इंसाफ के रिश्ते के सिवा और कोई रिश्ता नहीं। इससे पहले कि क्रांति की अदालत रिश्ते खत्म कर दे, हम ये अदालत खत्म कर देंगे। हम तुम्हारी जान ले सकते हैं। जी, जान तो हम भी ले सकते हैं। इस गद्दार सेनापति के लिए आपस में लड़ना ठीक नहीं। अगर सेनापति आजाद नहीं किया गया तो लड़ाई होगी, और अगर लड़ाई होगी तो गोलियां चलेंगी। सेनापति, आज कोई गद्दार नहीं बचेगा। हाँ, आज कोई गद्दार नहीं बचेगा। ए खबरदार, सेनापति तुम भी? हाँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। सिपाहियों हट जाओ। कितना जादू है, कितना जादू है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। गो 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 गो, आप लोग निकल जाओ, आपको क्रांति की सौगंध। भागे ना भाई,
भूर भुआ स्वाहा।